डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है। काइनामेटिक्स में सेकंड पार्ट, काइनामेटिक्स सेकंड, फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया था, आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। ठीक, तो जो टू डायमेंशनल मोशन होता है, इसमें फिर अगेन दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं बेटा। एक हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते हैं और एक सर्कुलर मोशन की स्टडी करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में टूडे आज हम लोग स्टडी करेंगे बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आज हम लोग की जो स्टडी होगी, जो पढ़ाई होगी, वो प्रोजेक्टाइल। ठीक, तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशन क्या होती है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखो प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है बेटा, अगर किसी भी बॉडी को, प्रोजेक्टाइल का मीनिंग कब बॉडी प्रोजेक्टाइल करेगी, ठीक है। जैसे हम लोग वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहे थे तो सीधा स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था, टू डायमेंशन होगा मतलब उसका पाथ है दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होंगे, तभी हम लोग टू डायमेंशन कहेंगे। पिछले यूनिट में डिस्कस कर लिया था, तो टू डायमेंशन हम लोग डिफाइन किया था, इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल टू कोऑर्डिनेट, ठीक है, विल बी चेंजेस विद द टाइम, देन मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। अब यहाँ टू डायमेंशन में हम लोग बात कर रहे हैं किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन की। किसकी बात कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन होता कब है बेटा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है, कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कब करती है, वो चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है अगर किसी बॉडी को आप अंडर ग्रेविटी कंडीशन होनी चाहिए, अंडर ग्रेविटी, ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टल से किसी पर्टिकुलर एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, बट एंगल की जो वैल्यू होनी चाहिए बेटा अदर देन 0 और 90, 0 90 या इवन कह लेते हैं 180 भी नहीं होनी चाहिए, वो जो टर्म आता है वो 0 और 90 के बीच में आता है, कि अगर किसी बॉडी को अदर देन 0 एंड 90, 0 और 90 को छोड़ के किसी एंगल पे, ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस केस में बॉडी का मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है वो प्रोजेक्टाइल होता है, यानी पैराबोलिक पाथ पे वो जाके क्या करेगा, मोशन करेगा। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ठीक है, हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी को, तो उस कंडीशन में उसका मोशन आपका प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक इक्वेशन आपका डिस्क्राइब करते हैं, इक्वेशन आप पैराबोला, चूंकि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका पाथ जो फॉलो होगा बेटा वो पैराबोलिक पाथ फॉलो होगा। ठीक है, तो अगर आपका जो इक्वेशन आपका बन रहा है क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो अगर इक्वेशन आप पैराबोला को फॉलो करें, यानी सिमिलर हो, ठीक है, सिमिलर टू इक्वेशन आप पैराबोला हो, तो हम लोग कह लेंगे कि पार्टिकल के मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल होगा, अगर नहीं फॉलो करेंगे नहीं होगा। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग करते क्या बेटा, तो पहला जो क्वेश्चन बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि किसी भी बॉडी को अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी भी पार्टिकल को, किसी बॉडी को अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो याद रखेंगे बेटा नाइदर 0 नार कितना 90, ये हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की यानी कि ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। ध्यान देना एक चीज, अभी हम लोग जो यहाँ पे पहले मोशन का पढ़ा स्टडी करेंगे बेटा, वो ग्राउंड से यानी कि यर्थ से हम लोग प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी क्लिफ्ट से, किसी हाइट से करेंगे तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो भी आपका सेम ही प्रोजेक्टाइल की कंडीशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो वो कंडीशन नहीं, अभी हम लोग यर्थ सरफेस से किसी बॉडी के प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। तो बोला जाता है अगर यर्थ सरफेस से यानी ग्राउंड लेवल से किसी बॉडी को अगर 0 और 90 के अलावा किसी एंगल पे हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल होता है बेटा। अगर कहीं ऑप्शन में 0, 90 और 180 मिलेगा, तो 180 का मतलब क्या, 0 का जस्ट अपोजिट, इधर जा रहे थे आप, उसके अपोजिट डायरेक्शन ले लेना, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए फिलहाल, वैसे हम लोग जो टर्मोलॉजी यूज करते हैं तो 0 या 90, अदर देन 0 एंड 90, क्योंकि 0 पे फेंकोगे तो सीधे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करता हुआ जाएगा, वो भी 1D हो जाएगा। अगर आप 90 भी फेंकोगे तो सीधे वर्टिकली जाएगा और वैसे सीधे फॉल करेगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1D यानी स्ट्रेट पाथ पे मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस आपका होता है। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल के लिए जब वहां पे अदर देन 0 एंड 90, वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी होनी चाहिए। अगर फ्री स्पेस में फेंकोगे तो जैसे फेंकेंगे वैसे स्ट्रेट पाथ पे चला जाएगा बेटा, वहां पे फिर कोई फैक्टर नहीं होगा जिसकी वजह से क्या करेगा वो, ठीक है, प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करे। तो ये कंडीशन होता है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं फिर आगे बताते बेटा। तो मोशन इन टू डायमेंशन में पहला पार्ट हमारा होगा बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, पहला पार्ट हम लोग जो स्टडी करेंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन का करेंगे। अब यहाँ पे देखो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या सिचुएशन बनता है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, क्या है, ग्राउंड लेवल है, यहाँ से हम किसी बॉडी को, किसी पार्टिकल को, कोई बॉडी है इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, एंगल हमने बोला अदर देन 0 एंड 90, यानी कि जो प्रोजेक्शन होगा हमारा, जो प्रोजेक्ट करेंगे वो 0 और 90 के अलावा किसी एंगल पे, आप उनके बीच में आप लोग कोई भी एंगल ले लीजिए। तो इस केस पे हमने सपोज दैट ये थीटा एंगल पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, वेलासिटी आपकी इनिशियल यू लिया है, यू वेलासिटी से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं बेटा, कोई भी बॉडी जब प्रोजेक्ट की जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी आपका यू है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सपोज दैट अगर इसे हम एक्स एक्सिस ले लें, ठीक है, और इस वाले को वाई एक्सिस ले लें, तो जो आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेते हैं।
जो वेलोसिटी आपकी है इनिशियल, उसको दो कंपोनेंट में हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। एक एक्स एक्सिस का स्पैनिंग कंपोनेंट हमारा हो गया, इसे आपने कह लिया कि आई यू एक्स के ले लेते हैं, सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, वाई एक्सिस ले रहे हैं। दिस इज हमने ले लिया वाई एक्सिस, अगर सर इसको कंसिडर कर ले रहे हैं ठीक। तो एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम लोग इसका कंपोनेंट लेंगे बेटा, ये यू एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं एक्स एक्सिस में है, तो थीटा के साइड का कंपोनेंट, जहां भी हम वेक्टर रिजोल्यूशन की बात करते हैं बेटा, थीटा के साइड का जो कंपोनेंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। थीटा जो कंपोनेंट होता है वो ऑलवेज साइन थीटा होता है। वेक्टर रिजोल्यूशन में आप पढ़ते हैं ठीक है, अगर किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, तो उस केस में थीटा के साइड का कंपोनेंट जो होता है वो ऑलवेज कॉस लेते हैं, थीटा के अपोजिट जो कंपोनेंट होगा वो ऑलवेज हम लोग क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। तो यहाँ पे दिखाएंगे बेटा यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी यू कॉस थीटा ठीक। और जो बेटा यू आई होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो हम लोग लिखेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी यू आई की वैल्यू हो गया यू साइन थीटा। अब एक चीज आप ये लर्न नहीं करेंगे, कुछ लोग होते हैं कि ऐसे लर्न कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस में कॉस थीटा, वाई एक्सिस में साइन थीटा। नहीं बेटा, थीटा किधर से कंसीडर किया गया ये चीज इस पे डिपेंड करता है। थीटा आपने कहाँ से कंसीडर किया है, कहाँ से लिया है, उस पे डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या होगी। अगर थीटा को आपने एक्स से लिया है, तो एक्स एक्सिस का कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग साइन होगा। अगर हमने थीटा को वाई से ले लिया, तो वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस हो जाएगा, एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, साइन होगा। पर चूंकि हम लोगों को जो स्टडी होती है बेटा, जो आप पढ़ते आए हुए हैं या आपके बुक्स वगैरह में जो भी हमें मिलता है, वो हमेशा एक्स एक्सिस से एंगल लिया जाता है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक्स एक्सिस से लिया है ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया आपका, एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका हो गया यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस हो गया आपका यू साइन थीटा। देखो बेटा, जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, जब प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये आपका जो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से मोशन आपका स्टार्ट कर रहा है, वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट करेगा, तो चूंकि अंडर ग्रेविटी है, अंडर ग्रेविटी आप मोशन कर रहे हैं, तो देखो इसमें दो फैक्टर्स काम करेगा। एक तो जब ये पार्टिकल ऊपर, इस कंपोनेंट की वजह से ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन इसके अगेंस्ट में हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन काम करेगा, यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसके अगेंस्ट में आपका क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन काम करेगा। इसकी वजह से जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगा पहले ठीक है, पीक तक पहुंचते पहुंचते उसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हम बात करते बेटा, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते हैं, तो आपका वहां पे एयर फ्रिक्शन, यानी जो फ्रिक्शन एयर के द्वारा डेवलप होगा, उसकी वैल्यू को जीरो कंसीडर कर लिया जाता है। मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है ठीक है, वो आपका क्या कंसीडर हम लोग कर लेते हैं, जीरो कंसीडर कर लेते हैं। मतलब वहां पे आपका फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है। अगर आपका फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है बेटा, तो कंडीशन क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो पूरी जर्नी में हमारा क्या रहता है, रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो पॉइंट याद रखेंगे, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज रिमेंस कॉन्स्टेंट ठीक, बट वर्टिकल कंपोनेंट विल बी चेंजेस विद टाइम। वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू जो होती है वो टाइम के साथ हमारा क्या होता है, चेंज होता है ठीक। अब देखिए, ये पार्टिकल जो है ये मूव करेगी बेटा इस पाथ पे, आपका इस तरह से ये जाएगा और पीक पॉइंट तक जाके फिर वापस लौट के आएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल ले लो, कोई अगर पत्थर है, स्टोन है, हम फेंकते हैं, तो ऐसा नहीं फेंकते हैं तो क्या एस्केप कर जाता है, और एस्केप करने के लिए हमें एस्केप वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी बेटा ठीक है। तो इस केस में हम एस्केप नहीं करा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अंडर ग्रेविटी किसी चीज को जब प्रोजेक्ट करते हैं, तो आगे जाके वो क्या करे, आगे कहीं ना कहीं सरफेस पे फॉल करता है। तो ये आपने जब प्रोजेक्ट किया, तो ये क्या करेगा, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए आपका जाके फॉल करता है। लेकिन इसको हमें प्रूव करना होता बेटा, ये पैराबोलिक होगा या नहीं होगा ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कुछ कंसिडर करेंगे, कैसे करेंगे अभी आगे देखते हैं। देखो पहले कुछ जो पॉइंट यहाँ साइज होते हैं आपके नीट एग्जाम में, वो आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो यही पुटअप हो गया बेटा ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ठीक है, मतलब किस एंगल पे आप बॉडी को फेंकोगे ठीक, उसकी वैल्यू ठीक, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 90 डिग्री ठीक है। 0 और 90 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई ले लेते हैं। अगर कहीं 180 वाला ऑप्शन मिलेगा तो वो भी कह देना बेटा नहीं होना चाहिए। अरे जैसे इधर से एंगल नाप रहे हैं, अगर ऐसे फेंक रहे हो तो 0, ऐसे फेंक देंगे यहाँ से एंगल नापेंगे तो क्या हो जाएगा 180, लेकिन हम लिखते हैं 0 एंड 90, अदर देन 0 एंड 90। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू 0 और 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा कोई होना चाहिए ठीक। तो ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा नॉट इक्वल टू
जीरो और 90 डिग्री। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बेटा, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट फैक्टर होता है, बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी चेंजेस विथ टाइम, विल बी चेंजेस विथ टाइम, इसकी वैल्यू जो होती है टाइम के साथ हमारी चेंज होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बनता है बेटा यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस कॉन्सेप्ट पे देखो। जब हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे, कहाँ पे पहुंचेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे, इसे कहेंगे आप ठीक है। तो पूछा जाता है एट हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, एट हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी, जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होगी ये हमें बतानी होती है। तो बेटा जब हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोग कंसीडर करते हैं, कहाँ पे बात करेंगे आप, हाईएस्ट पॉइंट पे बात करेंगे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी आपका होता है प्रोजेक्टाइल मोशन पे कितना होगा, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। बहुत सारे लोगों का आंसर आता है बेटा जीरो, बहुत सारे लोगों का आंसर जो आता है वो जीरो, या आप लोगों में जो लोग देख रहे होंगे सुनेंगे उन लोगों के जीरो होगा बेटा, हाईएस्ट पॉइंट हम बोलते हैं ठीक है। बट कंडीशन याद रखना, अभी हम लोगों ने जब वर्टिकल क्या वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा था तो उस केस में आपको डिस्कस किया गया था कि जब हम बॉडी को वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब ठीक है सीधा सीधा फेंकते हो, तब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की जो वैल्यू मिलती है वो जीरो मिलती है। लेकिन जब किसी एंगल पे आप उसको प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी टोटल जीरो नहीं होती है। याद रखेंगे कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एट हाईएस्ट पॉइंट नेट वेलोसिटी विल नॉट बी जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे नेट वेलोसिटी की वैल्यू आपकी जीरो नहीं होती है। तो होते कितना है इसको देख लेंगे, और कि कोई कंपोनेंट जीरो होता है कि नहीं होता ये भी हम देख लेंगे। तो देखो क्या होगा, जब यहाँ पे पहुंचेंगे बेटा ना, इस पॉइंट पे आप पहुंच रहे हो हाईएस्ट पॉइंट पे ठीक है, थोड़ा सा हाईएस्ट से हमें कंफ्यूजन होता है, जैसे हाईएस्ट टर्म आता है बहुत सारे लोग सोच लेते हैं क्या वेलोसिटी जीरो, बट बेटा वो वर्टिकल मोशन में होता है, हॉरिजॉन्टल क्या प्रोजेक्टाइल में नहीं होता है ठीक। तो इस केस में यहाँ पे वेलोसिटी का सपोज वी वाई ले लिया, तो वी वाई की वैल्यू वर्टिकल कॉम्पोनेंट की वैल्यू जो होती है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होती है। वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है बेटा वो हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोग क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट पे अगर जीरो नहीं होगा तो फिर नीचे आना नहीं शुरू करेगा बेटा, जब तक वर्टिकल कंपोनेंट जीरो नहीं हो जाएगा ऊपर की तरफ जाती रहेगी ठीक है। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा यानी उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, उसके बाद फिर वो क्या डाउनवर्ड फॉल डाउनवर्ड मोशन होगा ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, तो ध्यान रखेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो, क्लियर। सेकंड पॉइंट होता है बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी को अगर vx से, यहाँ पे हमने ux दिखाया था, यहाँ पे vx ले लें, तो अभी पहले ही हमने बताया था बेटा ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में उसकी वैल्यू हमारी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट होती है ठीक है। तो वो वैल्यू आपका क्या रहेगा, ऑलवेज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट रहने का मीनिंग क्या हो गया ये देखेंगे हम लोग ठीक है। ये वेलोसिटी जो हो रही हमारी क्या है, ऑलवेज कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, देखो बेटा इसका मतलब यू कॉस थीटा था ना इनिशियल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा कितना है यू कॉस थीटा है, तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, यू कॉस थीटा के बराबर होगी, तो ये वैल्यू आपकी जो आएगी वो यू कॉस थीटा ही रहेगा बेटा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जब आप दोबारा आके यर्थ सरफेस पे जस्ट पहुंचने वाले होंगे, अभी हम पहुंचे नहीं है बेटा थोड़ा ध्यान देंगे, जस्ट रीच यानी टच करने के जस्ट पहले की बात हम कर रहे हैं ठीक है, टच करने के जस्ट पहले की बात कर रहे हैं ठीक है। तो उस केस में पूछा जाता है वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, जब हम किसी बॉडी को अगर प्रोजेक्ट करते हैं ना, चाहे वर्टिकली प्रोजेक्ट करो चाहे किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करिए, अगर एयर फ्रिक्शन को आप कंसीडर नहीं करते हैं यानी एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में द क्या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ क्या फॉल, यानी जिस पॉइंट पे पहुंच सेम पॉइंट पे सेम लेवल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना ये भी अंडरस्टूड है, सेम लेवल पे, ऐसा नहीं छत पर से पत्थर मारो गिर रहा जमीन पे तो कह दो सेम रहेगा, नहीं, जब आप छत पर से फेंक रहे हो तो छत पे ही गिरे, या सरफेस से फेंक रहे तो या सरफेस पे ही गिरे, वो चाहे आपका क्या किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो या वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं, अगर एयर फ्रिक्शन को हम इग्नोर कर देते हैं बेटा, तो जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी ना वो क्या टाइम ऑफ प्रोजेक्शन पे तो आपकी वेलोसिटी अपवर्ड होगी, उतना ही टाइम ऑफ फॉल पे वो डाउनवर्ड होगा, वॉल पे कंडीशन है एट सेम लेवल ठीक। तो जब यहां पहुंचेगा बेटा तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो यू के बराबर ही होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट टचिंग जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड ठीक, वो वैल्यू हमारी क्या होगी यू के बराबर होगी,
और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ जो आएगा वो बेटा यू कॉस थीटा ही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू भी यू साइन थीटा होगा, बट डायरेक्शन यहाँ रिवर्स हो जाता है। जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ था बेटा, जब फॉल किया तो डायरेक्शन किधर हो गया आपका, नीचे की तरफ हो गया। क्लियर हुए सारे पॉइंट, हर पॉइंट के क्वेश्चन होता है बेटा, तो ध्यान रखेंगे। अब बार बार ये नीट एग्जाम्स में या जो भी हमारे नीट IIT मेंस वगैरह जो भी हमारे एग्जाम है इस लेवल के, वहाँ पे बार बार क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना तो न्यूमेरिकल बेस्ड बनेगा, तो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो शायद इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी क्या होती हैं कैसे होती हैं। तो इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा अदर देन 0 एंड 90 फ्रॉम द यर्थ सरफेस देन पाथ फॉलोड विल बी कैसा पैराबोलिक एंड मोशन विल बी कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन हमें प्रूफ करना है। हम तो ये बोल दिए ना स्टेटमेंट ऐसा होता है, बट हमें अगर प्रूफ करना हो बेटा कैसे होगा, तो हम क्या कर ले रहे हैं, अगर मान लिया किसी स्टैंड पे, किसी स्टैंड टी में या टाइम टी में आपका जो पोजीशन है पार्टिकल का, ये कहीं यहाँ पे पहुंचा, सपोज है टी टाइम पे ये एक्स डिस्टेंस आपका कवर किया, कितना डिस्टेंस बेटा एक्स डिस्टेंस कवर किया टी टाइम में, और इस स्टैंड पे आपका जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है ये वाई है। वर्टिकल कॉम्पोनेंट की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग, वाई ले रहे हैं बेटा। क्या ले रहे हैं हम लोग वर्टिकल कॉम्पोनेंट की बेटा वैल्यू, वाई ले रहे हैं। ठीक है, कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, जब कंडीशन हम लोग करेंगे तो कैसे आप यहाँ से डिस्क्राइब करोगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट हमारा ओ है, हमने यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट को ए ले लिया, जहाँ पे फॉल डाउन हो रहा है यहाँ बी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे अनदर पॉइंट बेटा सी और डी ले लिया, ये पॉइंट मान लो हमारा सी है, इस पॉइंट को हमने जहाँ पे वर्टिकल ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे डी आपको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट कहाँ से ए ओ एंड डी, ओ डी के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यक्स है। ठीक है, विच इज कवर्ड इन टाइम टी, कितने टाइम में, टी टाइम में कवर किया गया। तो बोला गया आपका इफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम टी इज यक्स। ठीक है, कितना है यक्स डिस्टेंस टी टाइम में उसने कवर किया, कितना डिस्टेंस यक्स डिस्टेंस कवर किया टाइम टी में, यक्स डिस्टेंस वो कवर करता है, ये यक्स डिस्टेंस कवर करने में उसको जो टाइम लग रहा है वो टी है। तो हम लोग पढ़ते हैं बेटा यक्स इक्वल टू, देखो आपने पढ़ा है क्योंकि यक्स एक्सिस में कोई एक्सेलेशन नहीं है, एक्सेलेशन नहीं है इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगा। तो उस कंडीशन में आपने फार्मूला पढ़ा एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आपने पढ़ा है, बट यहाँ एक्सेलेशन नहीं है तो हाफ एटी स्क्वायर फैक्टर आपका जीरो हो गया। तो लिखेंगे आप यहाँ एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यहाँ पे जो एक्स के लिए रिलेशन हम लिखेंगे एक्स बराबर आएगा बेटा यू एक्स इंटू कितनी, किस वेलोसिटी से मूव कर रहे इधर यू एक्स इंटू टी ले लिया। अगर यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो बेटा यू कॉस थीटा है, ध्यान देना एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी यू थीटा टू टी। अगर टाइम की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो एक्स अपान यू कॉस थीटा, एक रिलेशन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, रिलेशन बेटा हम लोगों ने क्या कर लिया यहाँ पे फाइंड कर लिया। आगे लिखते हैं नेक्स्ट कंडीशन हमारी बनती है कि अगर में ये जो आपने टी टाइम में ये पार्टिकल वाई डिस्टेंस कवर किया, कितना किया हॉरिजॉन्टल एक्स डिस्टेंस और कितना वर्टिकल पाई डिस्टेंस, तो इफ वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम टी इज वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे आगे इफ वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम टी में जो पार्टिकल है वो जो हमारा डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा वो वाई है। ठीक है, टी इज वाई, वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ये वाई कर रहा है, देन देखो अब वाई की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग देखो वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा जब बॉडी ऊपर जा रही तो जी हमारा नीचे की तरफ काम कर रहा है, और जब जी नीचे की तरफ काम कर रहा है इसका मतलब ये जी की वैल्यू जो होगी वर्टिकल मोशन में क्या करेगा उसकी वैल्यू को घटाएगा, उस करेगा आपका डिक्रीज करेगा रिड्यूस करेगा। तो इस कंडीशन में क्या
होगा यहाँ पे, ठीक है, हम लोग लिखेंगे वाई यू वाई टी, वाई एक्सिस में वेलासिटी हमारा यू आई है, यू आई टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। हम यही पढ़ते ना, एक्स इक्वल टू यू टी पर, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ही जगह पे हमारा जी है, और चूंकि हम मोशन अपवर्ड कर रहे हैं तो जी आपका डाउनवर्ड होता है, इसलिए साइन आपने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। हम लोगों ने वहां पे आपका पीछे वाले यूनिट में वन डायमेंशनल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखा है, ठीक। तो यू आई की टाइम यू साइन थीटा, ध्यान देना, और इस इक्वेशन से आप टी की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं, ठीक है। टी एक्स के एक्स अपान यू कॉस थीटा हमने ले लिया बेटा, माइनस हाफ इंटू टी की जगह हो गया एक्स अपान यू कॉस थीटा, एक्स अपान यू कॉस थीटा पूरे का क्या है बेटा, बाई होल स्क्वायर है पूरे का, क्या है आपका होल। ध्यान देना जरा, इस केस में यू एंड यू कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो आया यक्स साइन बाई कॉस, मतलब हो जाएगा यक्स टेन थीटा, साइन बाई कॉस क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है हमारा, यक्स टेन थीटा माइनस हाफ। देखो ध्यान दीजिएगा, बोला गया पूरी जर्नी में बेटा यू कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है, तो कांस्टेंट फैक्टर को हम एक साथ में ले ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा हाफ जी अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम इसके साथ में ले लिया बेटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या यक, ये हो गया वाई के लिए रिलेशन हमने बना लिया है। ये बेटा जी भी कांस्टेंट फैक्टर है, यू कॉस थीटा भी ऑलरेडी कांस्टेंट फैक्टर है, तो ये पूरा ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, पूरा फैक्टर हमारा एज ए कांस्टेंट फैक्टर हो गया, पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, आपका एज ए कांस्टेंट फैक्टर हो गया। मतलब यहाँ पे हमारी है, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, ठीक है। तो रिलेशन आया एक्स टेन थीटा, ठीक, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर कॉन्स्टेंट फैक्टर के मान लें तो हाफ के एक्स स्क्वायर के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं बेटा, ये जो इक्वेशन का बना ले सेकंड, तो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, सेंस इक्वेशन सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वहां पे हम लोग क्या लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ के x स्क्वायर। तो ये कंडीशन हमारा सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ क्या है, पैराबोला है, इसलिए कि जो मोशन का होगा पार्टिकल का वो प्रोजेक्टाइल यानी पैराबोलिक होगा, दैट मींस उसे कह लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कह लेते हैं, और पाथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है, पाथ यहाँ पे जो हमारा फॉलो होगा वो बेटा पैराबोलिक होगा, और जो मोशन हम लोग लेंगे वो कैसा हो जाता है आपका, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो सॉरी, तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स, इसी क्वेश्चन को हम लिखेंगे, सिंस इक्वेशन सेकेंड इज, सिंस इक्वेशन सेकेंड इज सिमिलर टू, सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो, ठीक है, सो पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल इज पैराबोलिक, सो फॉलोड बाय पार्टिकल इज पैराबोलिक एंड मोशन इज कॉल्ड, एंड मोशन इज कॉल्ड कैसा, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये केस आपका होता है, यहां से हम लोग प्रूव कर लेते हैं बेटा कि आपका पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा, और जो क्या होगा कंडीशन क्या हो रही है, जो आपका मोशन होगा उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या क्राइटेरिया आपका होगा प्रोजेक्टाइल के लिए, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया प्रूफ, वो कर लेते हैं हम लोग कैसे इसका मोशन प्रोजेक्टाइल होगा या क्या होगा, उसके बेस पे आप यहाँ से लेते हैं, ठीक। एक बार बेटा देख लीजिए, इसमें हम दो पॉइंट आपको लिख देते हैं, कि जैसे हमने जो लिखा अभी बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी की होती है वो रिमेंस कांस्टेंट रहती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का होता है बेटा वो रिमेंस क्या रहता है आपका, कांस्टेंट होता है, जो वेरिएशन आपका आता है वो, ठीक। दूसरा कंडीशन आपका होगा हाईएस्ट पॉइंट पे,
ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी आपकी होती है रिजल्टेंट वेलोसिटी वो आपका यू कॉस थीटा होता है, ठीक है। केवल वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा जीरो होता है। यही साइड में लिख देते हैं ऊपर, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं बेटा जिस पे हमारे पास नीचे नहीं बचा, तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रिमेंस कांस्टेंट, बट क्या वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस विद टाइम। तो लिखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यही हम लिख लेते हैं बेटा ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा नहीं दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं u cos theta equal to constant, but vertical component changes with time। एक पॉइंट हमारा ये हो गया बेटा, ठीक है। क्वेश्चंस पुट अप होते रहते हैं बाबू, तो एक पॉइंट हमने ऐसे लिया, इसको हमने एक ऐसे पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट इसके लिए। दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं बेटा कि जब पार्टिकल आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, सेकेंड पॉइंट हम लेंगे, जब पार्टिकल आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होता है यानी कि यू कॉस थीटा के बराबर होगा। अगर पूछा जाए कौन सी कंपोनेंट जीरो होगा तो आप बोलोगे वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू जीरो होगी। तो लिखते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, रिजल्टेंट या कैसे कर लो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो, ठीक है, बट रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी यू कॉस थीटा, ठीक, ऐसे लिख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे देखेंगे बेटा ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, या ऐसे के लिखो, अच्छा ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी यानी यही लिख ले वीवाई इक्वल टू जीरो, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स सेम। बेटा हम लिख लेंगे यू कॉस थीटा रिमेन्स सेम रहेगा बेटा, कितना हो जाएगा वो यू कॉस थीटा के बराबर रहेगा, यू कॉस थीटा। सो नेट वेलोसिटी एट हाईएस्ट विल बी यू कॉस थीटा, विल बी क्या हो जाएगा बेटा यू कॉस थीटा। ये सारे पॉइंट बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ये सारे पॉइंट पे क्वेश्चन जो है आपको बार बार पुटअप किए जाते हैं या कह लो बार बार पूछे जाते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, बार बार क्वेश्चन आपको इस पे पुटअप किया जाता है, तो ये चीज आपके क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ से आपने रिप्रेजेंट कर लिया क्या होगा, ये दिखा देते बेटा, ये हम नेट वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट विल बी यू कॉस, ठीक है, यू कॉस थीटा के क्या होगा बराबर होगा। तो आप एक बार देख लीजिए यहाँ का स्टार्टिंग है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का, और कई क्वेश्चन इस इतने कॉन्सेप्ट पे आपको बनते हैं, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं कई इतने पॉइंट पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। एक बार आप एक मिनट का हम टाइम देते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है,
कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। ये तो केस आपने कर लिया क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में, कैसे आप क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, कैसे प्रूव करेंगे कि वो पाया क्या प्रोजेक्टाइल है या इक्वेशन आप पैराबोला को फॉलो कर रहा है, हमने वो भी चीजें प्रूव कर लिया बेटा। ठीक है, और फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे बेटा। अब हमारा आता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक आता है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब उसको टाइम टेकन कितना होगा पूरा जाने में। जैसे आम का मौसम है ना, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं बेटा, पहले के टाइम पे अब तो गांव में बागें ही बहुत सारी खत्म हो गई। पहले लोग क्या पत्थर मार के बच्चे तोड़ते थे आम को, तो जब हम पत्थर मारते हैं ना तो पत्थर अगर गया टकराया तब तो ठीक है, नहीं टकराया तो आगे जाके कहीं ये क्या करता है, गिरता है। जैसे आप पत्थर फेंकते हो, जब पत्थर फेंकेंगे तो ये आगे जाके यू मूव करते हुए कहीं बेटा ड्रॉप करता है। ठीक है, तो वो हम जानते नहीं उस टाइम पे हमारा ये प्रोजेक्टाइल है, लेकिन वो बेटा उसका मोशन जो होता है वो प्रोजेक्टाइल ही रहता है। ठीक है, तो वो कंडीशन आपके यहाँ पे हम उसी के स्टडी करेंगे कि कितना टाइम लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया बेटा कितने टाइम के बाद प्रोजेक्ट करने के, कितने टाइम के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो नीचे फिर दोबारा फॉल करेगा। ठीक, उसे कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा होता है टर्म देंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इतने पॉइंट की हमें जो जरूरत है वो अभी ऐसे छोड़ देते हैं। ये सारे पॉइंट जो भी डिस्कस किए गए बेटा सब क्वेश्चन हैं। ठीक है, सारे पे क्वेश्चंस आपको पुट अप किए जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है कि टाइम ऑफ लाइट वगैरह कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड करेंगे, वर्टिकल हाइट क्या फाइंड करेंगे, तो देखो केस क्या ले रहे हैं। ये तो हमने प्रूव कर लिया, हमने क्या है इसका मोशन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके, कैसा हो गया बेटा प्रोजेक्टाइल हो गया, हमने इसको डिस्कस कर चुके। ठीक, अब हम लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो आपका हाइट होता है इसी को हम लोग वर्टिकल हाइट कह लेते हैं बेटा, एच। क्या कहते हैं, वर्टिकल हाइट एच, मतलब जर्नी में जो मैक्स गेन करता है वो आपका हो गया वर्टिकल हाइट के टर्म में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने वर्टिकल हाइट। दूसरा केस हमारा सेकंड कंडीशन हम लोग जब डिस्कस करते हैं बेटा, तो एक होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल में, पूरे ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसी को टर्म देते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू बेटा जहां पे जाके फॉल कर रहा है और जहां से आपने प्रोजेक्ट किया था, ये टोटल डिस्टेंस को हम कहते हैं। ठीक, तीसरा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया और ये जाके फॉल यहाँ पे हो रहा है, आपने प्रोजेक्ट यहाँ से किया बेटा, ये जाके के फाल आपका यहाँ पे कर रहा है, तो ये टाइम टेकन जो होगा पूरी जर्नी का उसी को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कह लेते हैं बेटा। उसे क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका होता है, इसके बेस पे हम यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, आप कंडीशन पहला हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, फिर आप हॉरिजॉन्टल रेंज या वर्टिकल हाइट जो भी फाइंड करना चाहेंगे वो मिल जाएगा आपको। ठीक, तो देखो हम लोग पहला पॉइंट वही लिखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे बेटा, एक सेकेंड जरा सा सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम लोग पहले लिखेंगे बेटा टाइम ऑफ क्या करेंगे, फ्लाइट क्या होता है। तो पहली हेडिंग हम लोग बनाएंगे इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट। हिंदी में जो लोगों ने पढ़ा होगा बेटा आपको बताया गया हो, उड्डयन काल इसी को टर्म देते हैं। हिंदी में जो लोगों ने पढ़ रखे हैं इसी को हम लोग क्या देते हैं, उड्डयन काल कहते हैं, निकल लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इसे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट हिंदी भी लिख देते हैं हम फिलहाल, हिंदी बहुत ज्यादा तो लिखते बनता नहीं, उड्डयन काल इसे कहते हैं बेटा, अगर आपने पढ़ा होगा हिंदी में तो उसी को उड्डयन काल कहते हैं। ठीक, चलो देखो कैसे करते हैं हम लोग, क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इसको काउंट करें पहले, अगर आप डिफाइन करते हैं तो देखते हैं द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल टू कंप्लीट होल प्रोजेक्टाइल मोशन या होल प्रोजेक्टाइल पाथ इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम कहते हैं द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल
पार्टकिन हम ले रहे हैं तो पार्टकिन ले लो बेटा, बॉडी कहेंगे तो बॉडी, क्योंकि पार्टकिन स्मॉलर होता है उसी के लिए हम लोग मेनली टर्म यूज करते हैं पार्टकिन। ठीक है, टू कंप्लीट होल, कंप्लीट होल क्या प्रोजेक्टाइल मोशन, होल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी को इस टर्म में भी हम लोग कह सकते हैं कि द टाइप टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम टाइप क्या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, टू रीच द ग्राउंड, उसे भी हम इस टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा। तो डिफिनेशन कई तरीके से हम कहते हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, कैसे निकालते हैं। सपोज कर लिया बेटा ओ पॉइंट से हाइएस्ट पॉइंट ए तक, कहाँ से प्रोजेक्शन पॉइंट जो टाइम ऑफ क्या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहां से हाइएस्ट पॉइंट ए तक, हाइएस्ट पॉइंट ए तक मूव करने में इसको टाइम स्मॉल टी लगता है। ठीक है, तो लिखते हैं इफ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट इज स्मॉल टी। ठीक, यहाँ पे लिखते कैसे हैं, इफ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच हाइएस्ट पॉइंट, हाइएस्ट पॉइंट कहाँ पे ए, हाइएस्ट पॉइंट हमने फिलहाल यहाँ पे ए लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आप कंसीडर कर वहां पे कंसीडर कर लीजिए। तो हाइएस्ट पॉइंट हमारा क्या है, ए है। तो ठीक है, एज टी कितना ले लिया बेटा, एज स्मॉल टी, टाइम टेकन हमने क्या कर लिया ओ से ए तक जाने का, वो स्मॉल टी ले लिया। तो देखो बेटा, आपको ये पहले हमने बता दिया था कि हाइएस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती, लिखा भी है यहाँ पे है, हाइएस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमारा क्या हो जाता है आपका जीरो होता है। ठीक है, तो हाइएस्ट पॉइंट पे अगर आपका वेलोसिटी की वैल्यू आपकी जीरो है, हाइएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है आपकी वो कितनी दी जा रही है बेटा, जीरो है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो हम लगा दें इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या लगा दिया जाए बेटा, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपने पढ़ रखा है v इक्वल टू u प्लस at। अब यहाँ पे हम लोग अपवर्ड मोशन कर रहे हैं तो v इक्वल टू u माइनस क्या a की जगह g ले लेंगे और टाइम के लिए t हमने ले लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा v इक्वल टू u माइनस gt। यहाँ से देखो करते क्या है, अब b के लिए कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, y वाला, तो यहाँ लिखेंगे vy, u के लिए कौन सा कंपोनेंट है, तो uy, तो यहाँ पे लिखेंगे vy इक्वल टू uy माइनस gt। देखो वीवाई की वैल्यू रख दो बेटा, यूआई की वैल्यू रख दो, बाकी फैक्टर देख लेते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वीवाई हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं जीरो होता है, तो ये जीरो ले लिया बेटा। यूआई की वैल्यू आपकी यू साइन थीटा होती है, ये भी आप जानते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस जी इंटू टी, जी टी को एक साइड में करेंगे तो इस केस में जी टी की वैल्यू आएगी यू साइन थीटा, जी टी की जो वैल्यू आ जाएगी यू साइन थीटा के बराबर आएगा, तो टी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं यू साइन थीटा बाई जी। लेकिन बेटा इसको अगर हम इक्वेशन एक फर्स्ट बना लेते हैं, क्या ये जो इक्वेशन फर्स्ट बनाया है ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट आर नॉट, कोई लोग, चलिए देखते हैं बेटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, फ्लाइट यहां से जहां से प्रोजेक्ट किया है जहां पे ग्राउंड पे पहुंचा है ये टोटल टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अभी हमने यहां से बेटा केवल यहां तक पहुंचा है, मतलब पीक पॉइंट जो उसका है, हाइएस्ट पॉइंट जो है वहां तक पहुंचे हैं, इसके बाद ये फॉल भी तो कर रहा है ना, यहीं तो थोड़ी रुक जा रहा है, यहाँ से फॉल हो रहा है, तो जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है बेटा, ध्यान रखेंगे उतने ही टाइम में ये दोबारा जो होता है हाईएस्ट पॉइंट से कहाँ तक, फिर उस सेम लेवल तक, ध्यान रखेंगे हाईएस्ट पॉइंट से फिर दोबारा वो सेम लेवल तक उतने ही टाइम में पहुंचता है, उतने ही टाइम में क्या करेगा पहुंचेगा। तो आप यहां से ऐसे कह सकते हो, ठीक है, द टाइम टेकन, सिंस द टाइम टेकन टू रीच द पार्टिकल फ्रॉम ओ टू ए इज सेम एज ए टू बी। ठीक है, जो टाइम टेकन आपका होगा ओ से ए में जाने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में बेटा वो ए से बी पे पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा, हमने अभी पहले ही यूनिट में बताया था कि अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं तो जो टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी की होती है वही टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी की होती है, अगर सेम लेवल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं सेम लेवल पे आके वो पहुंच रहा है, तो उसके केस में अपवर्ड जर्नी का टाइम और डाउनवर्ड जर्नी का टाइम दोनों हमारा बेटा सेम सेम होगा, अपवर्ड जर्नी के टाइम जो होंगे और डाउनवर्ड जर्नी का टाइम जो होगा दोनों हमारा कैसा रहेगा आपका सेम सेम रहेगा, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे बोथ कैसा रहेगा आपका इक्वल रहेगा। ठीक, तो लिख लेंगे यहीं पे, सिंस द टाइम टेकन
ठीक है, सिंस द टाइम टेकन टू रीच द पार्टिकल फ्रॉम ओ टू बी ए इज सेम एज ए टू बी, सिंस टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच फ्रॉम ओ टू ए इज सेम एज फ्रॉम ए टू बी, ओ टू ए इज सेम एज ए टू बी, सो टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होगी बेटा, अब यहां से जितना टाइम है उतना टाइम ये है, तो इसका तो टोटल टाइम इस टाइम का टू टाइम हो जाएगा ना, दो गुना हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी की जो वैल्यू आएगी बेटा, कैपिटल टी इक्वल टू टू इंटू स्मॉल टी, तो यहाँ पे लिख लेंगे टी की वैल्यू आएगी टू, स्मॉल टी की वैल्यू आई है यू साइन थीटा बाई जी, तो ये होगा टू यू साइन थीटा बाई जी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये हमारा कहलाता है बाबू टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसी को हम लोग कह लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। अभी किसी को डाउट हो तो एक बार बेटा देख लो, ठीक है, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने डिफाइन क्या किया, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम होता है, फिलहाल ये चीजें बोर्ड में आपको पूछी जाती है डिफिनीशन, आपको यहाँ पे केवल क्या इससे मतलब है, ठीक है, तो बाकी क्या होगा कैसे होगा, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल जो बेस बनता है कह देंगे, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं आपको थियोरेटिकली, ठीक है, कि ये पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल टेक इस टाइम 5 मिनट टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट, कितना 5 मिनट टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट, देन टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम हाइएस्ट टू ग्राउंड एट द सेम लेवल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर 5 मिनट इधर लगा बेटा तो 5 मिनट इधर ही भी लगेगा, ठीक है, तो वो टाइम बराबर लगता है, तो ये चीज आपकी हो गई टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या होगा, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। दूसरा कंडीशन सेकेंड पार्ट हम लोग इसमें स्टडी करते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज का, सेकेंड जो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं वो करते हैं बेटा हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज का, तो हमारे पास थोड़ा स्पेस है इतने में हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज की स्टडी कर लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, तो इसका सेकेंड कॉम्पोनेंट सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या पढ़ेंगे आप, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, आ जाएगा ना, हाँ ये हो गया था पहला हमने स्टडी किया टाइम ऑफ फ्लाइट का, दूसरा हम लोग स्टडी कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज, जरा डायग्राम से आप देखोगे हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपका कवर्ड है पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में कंप्लीट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे हम लोग टर्म देंगे बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे, उसे क्या कहेंगे आप, हॉरिजॉन्टल रेंज कह लेते हैं, ठीक है, तो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज, उसी को आप टाइम टर्म क्या देते हो, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, तो इसके बेस पे दिखा देंगे, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम टेकन जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज है आपका, ठीक है, इस पॉइंट के बीच में जो टाइम होगा उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। अब जरा सुनेंगे बेटा, पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से मूव कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, पार्टिकल इज मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यू टू व्हिच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, तो आप बोलोगे बेटा किसकी वजह से आपका हो रहा है, यू कॉस थीटा की वजह से हो रहा है, इस कंपोनेंट का इधर जाने में कोई रोल नहीं है, जैसे इधर जाने में इस कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है वैसे इधर जाने में इस कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है, हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था, ठीक है, तो वही कंपोनेंट का रोल होता जो उस डायरेक्शन में आपका हो या उसके अपोजिट में हो, तो ना तो ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ना तो इस कंपोनेंट इसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसलिए इनका कोई रोल नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओनली ड्यू टू यू कॉस थीटा, वर्टिकल डिस्टेंस ड्यू टू यू साइन थीटा होगा, ठीक, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो आपका होगा वो यू साइन थीटा यानी कि हमारे इस कंपोनेंट यू कॉस थीटा की वजह से हो रहा है, तो हम लिखेंगे आर इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज को दिखाते बेटा आर, अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ड्यू टू प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर बोला जाए तो बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर डिफाइन करना चाहते तो एक लाइन लिख लो बेटा, फिलहाल डिफिनेशन का बहुत रोल अपने यहाँ नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग किसमें बेटा, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन
ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड हॉरिजेंटल रेंज। इसी को कहते बेटा हॉरिजेंटल, क्या कहेंगे आप, रेंज कहते हैं। दिस इज नोन एज हॉरिजेंटल रेंज, उसे नाम देते हैं आप लोग हॉरिजेंटल रेंज कह लेते हो। ठीक, अब निकालेंगे कैसे, दिखाया हमने आर से, आर की जो वैल्यू होगी हॉरिजेंटल रेंज, आर इक्वल टू आएगा बेटा इधर यू एक्स इंटू टी, टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, यू एक्स इंटू क्या ले लेंगे हम लोग, टी ले लेंगे बेटा। यू एक्स की वैल्यू फार्मूले में देखो आपने रिप्रेजेंट कर लिया बेटा, यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा। टी की वैल्यू आई टू यू साइन थीटा बाई जी, टू यू बाई जी आया। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, हम लोग मैथ पढ़े हैं थोड़ा बहुत, ठीक है पढ़े हैं ना, तो देखो यू यू ठीक, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं इस तरह से, यू यू को मल्टीप्लाई कर लिया यू स्क्वायर, टू यू स्क्वायर इंटू, देखो टू बचा है ना, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। आपने पढ़ा होगा फार्मूला साइन टू थीटा का बेटा, साइन टू थीटा इक्वल टू होता है टू यू साइन थीटा, ठीक है, साइन टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, ठीक है, यानी साइन टू थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यही लिख लेंगे बेटा, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये फार्मूला सब लोगों ने पढ़ रखा होगा जो भी 11th लेवल पे बोर्ड पढ़े हैं, तो ये अभी ऐसे फार्मूले हैं जो सब बच्चा क्या करता है, लर्न करता है और सब जगह बताया जाता है, कुछ ऐसा नया अभी नया नहीं है। अप्लीकेशन हमारे देखो, हम लोग जो बेटा नीट हो चाहे IIT हो किसी कंपटीशन के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं ना, वो 60% आप जो एकेडमिक यानी बोर्ड लेवल से पढ़ते हो या बोर्ड में आप पढ़ते हो वही रहता है बेटा, 40% जो होता है वो अप्लीकेशन आपका बढ़ जाता है। क्वेश्चंस आपके कैसे बनेंगे, अप्लीकेशंस आपके क्या होंगे, कुछ आपके नए अप्लीकेशंस बन जाते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन है, वो सारी चीजें हमारी बढ़ जाती हैं, बाकी 60% हम वही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं आप 11th 12th लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं और आपको PhD लेवल का वहाँ से स्टडी होगी, आपका बेसिक वही रहेगा, अप्लीकेशंस आपके वहाँ पे इंप्रूव हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में जो होता है बहुत ज्यादा हमारा कॉन्सेप्चुअल या एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस नहीं अराइज होते, डायरेक्ट वहां पूछा जाता है, यहाँ पर एप्लीकेशन आपका क्या बढ़ जाता है, कैसे अप्लाइड क्वेश्चन आप बनाओगे, कैसे उनका आंसर देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला जो आपने वहां पढ़ा था वही फार्मूला यहाँ भी है, यहाँ कोई फार्मूला बदल नहीं गया है, ठीक है। तो ये केस आपका हो गया यहाँ पे। अब कंडीशन क्या होता है, ठीक है, कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, और क्वेश्चन हमने फर्स्ट किया था इसको बन लो, मान लो क्वेश्चन सेकंड हो गया, यहाँ पे इसके लिए क्वेश्चन हमने थर्ड बना लिया। ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, पूछा क्या जाता है बेटा, वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम हाइन थीटा इक्वल टू कितना। तो आप याद रखना जब थीटा की वैल्यू हमारी 45 डिग्री होता है तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होता है, ठीक है। आप कहेंगे एट थीटा इक्वल टू 45, एट थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री। जब 45 डिग्री पे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो देखो हमारा आर की जो वैल्यू मिलेगी, आर इक्वल टू आएगा यू साइन 2 इंटू 45 अपान कितना जी। सब लोगों ने पढ़ रखा है बेटा कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 के लिए होती है, साइन की मैक्सिमम होता है वो हमारा किसके लिए लेते हैं, 90 के लिए लेते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 45 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू सबने पढ़ा यू, यही आर मैक्सिमम हो जाता है, और आर मैक्सिमम की वैल्यू होगी यू स्क्वायर बाई बेटा जी। ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होता है ड्यूरिंग क्या प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अटेन करना है प्रोजेक्टाइल मोशन में, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको कितना रखना होगा 45 डिग्री। आपने सुना होगा अगर गेम तो आपको सिस्टम खत्म हो जा रहा है, ठीक है, स्कूलों में पहले गेम हुआ करते थे, अभी गिने चुने स्कूल कराते होंगे थोड़ा बहुत, तो वहाँ लॉन्ग जंप होता था, लॉन्ग जंप होता था। तो लॉन्ग जंप में बेटा अगर आपको लॉन्ग जंप करना है तो उस केस में खाली आपकी रनिंग जो वेलोसिटी आपकी होती है उसी पर नहीं डिपेंड करता है, एंगल पे भी डिपेंड करता है, आपने एंगल कितना कंसीडर किया। अगर एंगल आपका क्या है क्लोज टू 45 है, ठीक है, या अगर एग्जैक्टली 45 है बेटा, तो आपकी जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो सबसे ज्यादा होता है। अगर पर्टिकुलर किसी वेलोसिटी के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, मान लो कि आपके चार स्टूडेंट हैं, चारों ने सेम वेलोसिटी से क्या किया जंप लगाना स्टार्ट किया, सेम वेलोसिटी से जंप लगाना स्टार्ट किया, जो स्टूडेंट 45 डिग्री सबसे क्लोजेस्ट या कह लो 45 डिग्री के एंगल पर अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा वो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा।
इसीलिए गेम के लिए हमें एक्सरसाइज की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की। एक्सरसाइज मतलब तो यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, और खाली वही गेम के लिए नहीं यार, पढ़ाई के लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितनी ज्यादा बार आप पढ़ोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, वैसे ही गेम के लिए जितना ज्यादा आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपकी एक्यूरेसी उस गेम के लिए क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एजुकेशन तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की चीज है, जितना ज्यादा कर लीजिए उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगी। छोड़ दो, 6 महीने बाद आपका क्या टेस्ट हो, आप कहाँ पहुंच जाते हो। अगर परफेक्ट आपने पढ़ा तो भी आपका 40% भी नहीं बचता है। तो इसलिए आपको एक्यूरेसी के लिए जो चीजें पहले पढ़ रखी है बेटा, ठीक है, उसको रिवाइज करते रहिए, आगे जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको मेंटेन करते रहिए, और फिर इसको भी रिवाइज करते रहिएगा, तभी आपकी एक्यूरेसी एग्जाम में होती है, नहीं तो पता लगता है इधर हम पढ़ते हैं उधर भूलते जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख लेते हैं क्या होगा कैसे होगा। ठीक, चलिए, तो ये तो कंडीशन आपका हो गया बेटा, हमने हॉरिजॉन्टल रेंज कर लिया, वर्टिकल हाइट हमारी अभी बची हुई है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल हाइट क्या होता है। पॉइंट हमारा होगा वर्टिकल हाइट क्या होता है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया हमारा, वर्टिकल हाइट अब करेंगे कैसे करेंगे। देखो कुछ बेटा हमको इरेज करना पड़ेगा, स्पेस प्रॉब्लम है, तो देख लीजिए। हम लोग कर क्या रहे हैं बेटा, बोला जा रहा है आपका वर्टिकल, ये वर्टिकल हाइट कहलाता है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट अटेंड करते हैं हम लोग, वो हमारा वर्टिकल हाइट कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेटा, वो वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। ठीक है, वर्टिकल हाइट तो किसी को भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का मतलब क्या हो गया, जो ये मैक्सिमम पीक वैल्यू हम यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हम लोग कह लेते हैं वर्टिकल हाइट। टर्म यूज करते हैं बेटा वर्टिकल हाइट कह लो या वर्टिकल रेंज कह लो। ठीक है, वर्टिकल हाइट क्या होगा, देखो बोलते हैं द वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, या मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड वर्टिकल हाइट। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड वर्टिकल हाइट। इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा वर्टिकल हाइट कह लेते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, वर्टिकल हाइट कह लेंगे। अब देखो कैसे, तो डिफिनीशन हो गया यार, डिफिनीशन का फिलहाल अपने बहुत नहीं रोल है, बट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बाकी यहाँ से आपको डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इस पर टेंशन मत लीजिए, आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जाएगा, और ना ही डिफिनीशन के बेस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यार। ठीक, जो क्वेश्चन होगा सब अप्लीकेशन बेस्ड ही बनते हैं। तो कंडीशन क्या होगा जरा देखते हैं हम लोग, ये वर्टिकल हाइट है बेटा, इसको हमें निकालना है। क्या निकालना है, वर्टिकल हाइट की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करनी है, वर्टिकल हाइट की वैल्यू को आपको निकालना है। देखो वर्टिकल हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक, हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक क्वेश्चन थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax है ना, हॉरिजॉन्टल मोशन में। तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन को हम लोग यूज करेंगे वर्टिकल मोशन के लिए। ठीक, वर्टिकल मोशन में जो हमारी वेलोसिटी है, वर्टिकली हम क्यों जा रहे हैं, वी वाई की वजह से, यू वाई की वजह से जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या इक्वेशन थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। तो लिखते हैं बेटा क्या है, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस की माइनस, जब हम अपवर्ड मोशन करते हैं अंडर ग्रेविटी बेटा, तो साइन हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है बेटा। तो 2g इंटू एच, ये आपकी वर्टिकल हाइट है बेटा। वी वाई हम ऑलरेडी क्या डिस्कस कर चुके हैं, वी वाई की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा है बेटा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच, हो गया ना। इस फैक्टर को इधर ले लेते हैं, तो 2gs की वैल्यू आएगी बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यस की वैल्यू फाइंड करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, थोड़ा डिफरेंस आ रही है, आर की वैल्यू साइन 2 थीटा बाई जी था,
यहाँ पे एस की वैल्यू जो आ रही है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान टू जी आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन आप ऐसा मत कहना सेम सेम दिख रहा है, सेम सेम नहीं दिख रहा है बेटा, इक्वेशन हमारा यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि वर्टिकल हाइट की वैल्यू बेटा मैक्सिमम कब होगी, वर्टिकल हाइट की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कब होगी, किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको मैक्सिमम हाइट अटेन करनी है तो हमेशा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू हम लोग 90 डिग्री लेते हैं। कितना लेंगे 90। देखो ऐसे अगर ऐसे आप फेंकते हो ना तो कोई भी एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से किसी बॉडी को आप अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो अपवर्ड प्रोजेक्ट करने पर जो उसके द्वारा हाइट अटेन किया जाएगा वो मैक्सिमम होगा, अदर देन एनी एंगल, किसी भी एंगल पे उसके अलावा आप फेंकोगे ना सेम वेलोसिटी से, कंडीशन है सेम वेलोसिटी की बात हो रही है, सेम वेलोसिटी से तो उस केस में जो आपका क्या होगा डिस्टेंस का और वर्टिकल हाइट का वर्ड होगा वो हमेशा लेस होगा। इसीलिए जब भी आपको जंप वर्टिकल जंप करना हो लॉन्ग, ठीक है, जैसे लॉन्ग जंप हाई जंप कहते हैं हम लोग, जब हाई जंप करना होता है ना तो उस केस में देखते होंगे आपने प्लेयर को देखा होगा वो रन करते हुए आता है एक स्टैंड के लिए थोड़ा सा अपने आपको रोकता है फिर जंप करता है, ठीक है। तो जितना वो हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम एंगल क्या करेगा फॉर्म करेगा उतनी ही उसके द्वारा हाइट जो अटेंड होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। लेकिन साथ में चूंकि वेलोसिटी फैक्टर पे भी डिपेंड करता है इसलिए वो थोड़ा सा रन लेके रन अप करके उसके बाद फिर क्या करता है जंप करता है, नहीं तो ऐसे सीधे खड़े रहो ऐसे कूद जाओ, अरे ऐसे कितना कूदोगे यार, ठीक। तो उस केस में हम थोड़ा सा रन अप करके फिर जंप लगाते हैं, ठीक है। तो वो चीजें आपकी होती है, बट एंगल की वैल्यू जितना ज्यादा आप बना पाएंगे आपको वैल्यू जो आएगी हाइट अटेंड अगर वेलोसिटी सेम है तो उतनी ज्यादा होती है बेटा, ठीक। तो फॉर मैक्सिमम रेंज जैसे यहाँ पे लिखा गया था आपने थीटा इक्वल टू कितने पे 90 पे, तो लिखेंगे एट थीटा इक्वल टू पहला ले लेते हैं हम लोग 90 डिग्री, एच की जो वैल्यू हमारी आएगी बेटा यू स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा 1 आएगा तो यू स्क्वायर बाई आएगा बेटा 2g, ठीक है। यू स्क्वायर बाई ये लिख लेते हैं, छोड़ो यार इतना तो समझे जाएंगे ना, यू स्क्वायर बाई 2g और ये वैल्यू हमारी एच की जो होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू हम लोग 90 लेते बेटा तो वहां पे जो आपका क्या होगा वर्टिकल हाइट की वैल्यू होती है वो हमारी क्या मिलेगी आपकी मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 90 लेने पे हाइट की वैल्यू मैक्सिमम अदर किसी भी एंगल पे आप लोगे 45, अगर जीरो ले लिया जाए बेटा तो वर्टिकल हाइट, अरे भैया ऐसे सीधा जाओगे तो जो वहां पे वर्टिकल हाइट की वैल्यू क्या रहेगी जीरो, और ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल कहते ही नहीं है यार, अरे भाई प्रोजेक्ट का मतलब क्या है एयर में आपको जाना चाहिए, ऐसे लुढ़कते हुए जाओगे तो उसे प्रोजेक्टाइल नहीं कहते हैं, ठीक है। तो वन डायमेंशनल की कंडीशन हो जाएगी, ठीक। तो ये होते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग ये कंडीशन लेते हैं, ठीक है। अब ये है बेटा इस पे हम लोगों को कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करने हैं, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे क्या होंगे वो सारी चीजें हम लोग कल करेंगे, थोड़ा सा आप पढ़ रखेंगे, ठीक। एक डिस्कस कर देते हैं एक मिनट में। ये हम लोगों ने जो भी वेलोसिटी कंसिडर किया टॉप मोस्ट पॉइंट पे किया बेटा, कहाँ पे किया है टॉप मोस्ट पॉइंट पे किया है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे किया है, ठीक है। अगर कहीं मिडिल पॉइंट पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो उस पॉइंट पे भी हम वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। जैसे मान लो इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, क्या इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी? कभी भी नहीं, ठीक। अभी जब तक हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे तब तक वेलोसिटी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर हम ले लें तो अगर एक अनदर पॉइंट हम लोग डिस्कस कर ले, यहाँ पे मान लो हमारा वी वाई डैश है वेलोसिटी और ये हमारा यू वाई डैश, इसकी तो वैल्यू हमारा क्या रहेगा यू कॉस थीटा रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता बेटा, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया। लेकिन कभी क्वेश्चन में अगर इसकी वैल्यू पूछेगी ना तो आपको दो चीजें यहाँ से दी जाती है, दो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे होनी चाहिए तब निकल पाएगा। या तो आप इस वर्टिकल हाइट की वैल्यू आपको दी रहेगी तब आप निकाल सकते हैं, या तो बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम दिया रहेगा तब आप निकाल सकते हैं। तो दो ही कंडीशन में उसकी वैल्यू को क्या एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आपको इस पॉइंट तक जाने का टाइम गिवन हो, आपको टाइम गिवन होगा तो ये वाला फार्मूला आप लगा लीजिएगा, ठीक है। या वी वी इक्वल टू यू माइनस ए टी, तो ए टी के जगह जी टी कर लेना, तो टाइम दिया रहेगा तो यहाँ पे वी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, यू की जगह पे यू साइन थीटा रख लेना, ठीक। या तो फिर आपकी इसकी हाइट यहाँ से दी गई हो, हाइट दिया रहेगा तो आप इस वाले क्वेश्चन को क्या करिएगा ड्रा कर लीजिएगा, अगर हाइट आपको दी रहेगी तो वी वाई की वैल्यू निकालनी रहेगी, यू वाई की वैल्यू आपकी यू साइन थीटा, और इसी क्वेश्चन में रख के भी हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो दो टाइप से वहां पे क्वेश्चन अगर कहीं बीच में पूछा गया
ठीक है। वैसे ट्रेंड जो है मोस्टली इन्हीं कंडीशन की है, बट अगर बीच में कहीं पुटअप किया गया तो ध्यान रखेंगे इस तरह से हम उसको भी क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। छोड़ के नहीं आना है, करके आना है और सही करके आना है, दो चीजें हैं। देखो कंपटीशन तभी आपका बेहतर होगा जब बेटा क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है पहली बात, लेकिन गलत भी नहीं करके आना है, ठीक है। यानी कि सिलेक्शन के लिए आपको करना है और सही करना है, ठीक, करना है और सही करना है, तुक्का मार के नहीं आना है, तब सिलेक्शन होता है। और जब वो चीजें तब आपकी पॉसिबल हैं जब हर चैप्टर आपका परफेक्ट हो, हर चैप्टर में आपकी एक्यूरेसी हो, और ये सारी चीजें पॉसिबल तभी होंगी जब हर चीज को, हर सब्जेक्ट को आप रिवाइज करते रहेंगे रेगुलरली, उस पर क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। एक बार थ्योरी पढ़ने से आपका कभी सिलेक्शन नहीं होता बेटा, ठीक है। थ्योरी पढ़ के आप बोर्ड में अच्छा कर सकते हो या पास हो सकते हो, लेकिन कंपटीशन में खाली एक बार थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होना है। तो उसके लिए आपको रेगुलरली क्वेश्चन, आपको कॉम्पिटेटिव बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आप करते रहिए और चीजों को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तब जाके आपका वहां पे रिजल्ट आउटपुट मिलता है। तो इतनी आपको मेहनत करनी पड़ती है। हमने आज प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक्स बता दिया बेटा, कल इस पे अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और आगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज बेटा यहीं तक, फिलहाल आप पढ़ते रहिए, ठीक है। रेगुलरली आप क्या मेहनत से पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक। तो कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। ओके बेटा।